हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अगले 48 घंटे में क्या एनर्जी रहेंगी आपकी और आपके पर्सन की आपकी तरफ। तो हम देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग को चेकआउट करते हैं। साथ साथ मैं ये भी कहती चलूँ कि वीडियो को आप लाइक करें और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो डॉक्यूमेंट्स मुझे कमेंट्स में बताएँ। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं फ्री जो है उन्हें कार्ड रीडिंग करूँगी। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं वो कमेंट्स में अपना नाम करें। अगर वो मुझसे फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं मैं व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर दूँगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि ये जो सिचुएशन होती है ना नो कॉन्टेक्ट की, तो उसमें जो है ना पर्सन बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि हमारे पर्सन की क्या एनर्जीज चल रही हैं या हमारे पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उनके लिए, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरीफाई तो नहीं करता, लेकिन एक अगर पर्सन रीडिंग लेंगे अपॉइंटमेंट तो फिर उससे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ना, तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। उससे ये होगा कि आपको अपनी पर्सन रीडिंग भी मिल जाएगी। और ये तो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ रेजोनेट हो। काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, कुछ के साथ होगी और कुछ के साथ नहीं होगी। तो मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम आपकी एनर्जीज भी देखते हैं और आपके पर्सन की भी एनर्जीज देखते हैं। मेरे व्यूअर्स तो बहुत अच्छी एनर्जीज में हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है निकल के आपकी तरफ से। तो मेरे व्यूअर्स खुश हो गए कि मैं उनको फ्री रीडिंग दूंगी। 5 ऑफ सोर्स आपके पर्सन की तरफ से निकल के आया है। 3 ऑफ कप ten of swords ओके, लगता कोई सर्कल आपका कंप्लीट हुआ है जो हमें 10 की एनर्जी मिल रही है। आप मूवमेंट चाह रही हैं। चैरियट, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस रिलेशन को। डिमिजिशन वाटर में जो एनर्जी निकल के आएगी वो आप दोनों की होगी, म्यूचुअल होगी एनर्जी। हम वो भी देख लेंगे कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। होप आपको कार्ड जो है वो क्लियरली नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर्स भी बताऊंगी मैं आपको, साइंस भी बताऊंगी कि क्या साइंस निकल के आ रहे हैं। द डेविल, मेजर काना से ना हमारे पास इस वक्त 3 कार्ड निकल के आए हैं। जस्टिस, ओके, आपको लगता है जैसे चीज़ें अनजस्टिफाई हुई हैं आपके साथ और आप जस्टिस गॉड से मांग रहे हैं। मिट्टी चाह रहे हैं आप। 6 ऑफ वॉन्स, मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी जो है ना वो तो बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी की हैं, पॉजिटिव हैं। और अगर मैं देखूं आपके पर्सन की तरफ तो उनकी एनर्जीज जो है ना वो बैलेंस एनर्जी नहीं मुझे दिख रही। 7 ऑफ वॉन्स, वन मोर कार्ड फिर हम रीडिंग को जो है ना स्टार्ट करते हैं। टेम्परस, ओके, बॉटम में देखें टावर, ओके। टावर जो है आप दोनों के रिलेशन में जो है ना ये म्यूचुअल हमारे पास एनर्जी निकल के आई है। तो मेरे व्यूअर्स, ब्यूटीफुल पीपल्स, मैं ये देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग के अंदर कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, वाइस वर्सा भी रीडिंग हो सकती है, हो सकता है आप कुछ कंफ्यूज हों, आपके पर्सन पॉजिटिव हों, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, जनरल रीडिंग है, हर एक से रेजोनेट नहीं हो सकती। तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपके पर्सन ने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था तो अब जो है वो एक पेन में फील कर रहे हैं खुद को। वो आपको एक, आप मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं और सिंगल लेडी हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मुझे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है कुछ कुछ के रिलेशंस में, और कुछ के रिलेशंस में मुझे जो है वो ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे मदर फिगर कोई एक है लेडी, वो भी मुझे दिख रही है। साइन में आपको बता दूँ, वॉन्स हैं, सोर्स हैं, कप है,
पेंटिकल्स हैं, ऑल ही साइंस हमें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, टॉरस वीगो कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, सॉर्स की एनर्जी है, और क्योंकि वाटर हमें थोड़ा ही कैंसर स्कॉर्पियन के सब भी साइन के साथ के रेजोनेट होगा क्या के? तो मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो इस रिलेशन में, इस ऑन ऑफ रिलेशन, ऑन ऑफ रिलेशन से जो है ना वो आप फेड अप हो चुके हैं, आप विक्ट्री चाह रहे हैं इस रिलेशन में, आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन ने जो बाउंड्री सेट की हुई हैं, जो आप उन्होंने कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया हुआ है, जो आपकी तरफ वो आगे भरना खुद भर रहे हैं ना, आपको आने अपनी तरफ आने दे रहे हैं, लाइक ऐसे जैसे आपको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है हर तरफ से. आप चाह रहे हैं मूवमेंट, आप चाहती हैं कि आपकी तरफ मूवमेंट हो, आप चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिला जाए इस रिलेशन में, आप चाह रहे हैं आप इनके साथ अपनी एक फैमिली देखती हैं, फैमिली कार्ड है. ओके लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो इस वक्त डेविल की एनर्जी में है, पेन की एनर्जी में है, बाउंड्री सेट की हुई है, थर्ड पार्टी में इसमें वाजिया देख रही हूँ, टावर मूवमेंट भी आ रहा है आपकी लाइफ में. हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको अगर गोस्ट किया है या आपके साथ कोई उन्होंने झूठ बोला है, लाइक किया है, तो वो अब इस एनर्जी से, पेन वाली एनर्जी से निकल के अगर वो आते हैं तो डेविल एनर्जी उनकी में बहुत ज़्यादा है. ओके चलिए हम ऐसा करते हैं, थोड़े कार्ड को जो है ना हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये डेविल एनर्जी और टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन, और उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज क्यों आपकी तरफ आने नहीं दे रहे, अपनी एनर्जीज को उन्होंने इतना ब्लॉक किया हुआ है. और टावर मूवमेंट से वो चाह रहे हैं इस रिलेशन को मौका तो देना चाह रहे हैं, आपसे कॉल टेक्स्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये एनर्जीज क्यों इतनी ब्लॉक हैं, पहले हम देखते हैं कि थर्ड थ्री ऑफ कप्स जो है हमें क्या गाइड कर रहा है. लव बिगिंस, ओके ओके लव बिगिंस है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपसे साथ, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो खुद को निकालना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं अपने रिलेशन पे. चलें देखते हैं कि आपके पर्सन की जो है ये टेन ऑफ सोर्स की जो है वो एनर्जी क्यों है. ऑब्स्टेकल एंड चेंजेस, चैलेंजेस. ओके लगता है कि आपके रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ रहा है. किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन हैं कहीं स्टक हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, हो सकता है किसी जॉब को लेके वो स्टक हो, या अपने पेंटिकल्स पे अपने वर्क के ऊपर वो काम कर रहे हो, लेकिन आपको वो देखते एक उनका जो नज़रिया है आपको देखने का वो ये है कि आप एक स्टेबल एनर्जी में हैं, आपको बड़ा एडमायर कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो दो कार्ड निकल के आ गए. चलिए देखते हैं दो कार्ड में क्या है. फुलफिलमेंट एंड ऑफ विशेस एंड सैक्रल चक्रा. ओके जैसे मैं बात कर रही थी कि आपको वो एक बहुत ही एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, और आप उनके लिए जो है उनकी एक विश फुलफिलमेंट है, आप उनके लिए एक विश की तरह हैं, आपको बहुत वो जैसे उनकी ख्वाहिश होती है ना कि आपके साथ उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है, जैसे लव बिगिंस का कार्ड है, तो ऐसा है कि वो आपके साथ एक दोबारा से इस रिलेशन में आना चाह रहे हैं. अगले 48 घंटे में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ना आपको अप्रोच करने का सोच रहे हैं. देखते हैं जी बाउंड्रीज उन्होंने क्यों सेट की हुई है कार्ड्स, और जी ऐसे देखें ना जैसे कंफ्यूज एनर्जी है उनकी, और कार्ड्स जो है ना उनको सीधा करना चाह रही हूँ तो वो भी सारे ऐसे मिक्सअप हो गए. आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी. डिसेप्शन एंड एनवी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की. और जैसे मैंने गाना गाया ना आपके लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, आपको खुश करने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आएंगे तो ज़रूर ये खुश हो. बाउंड्रीज इन्होंने सेट की थी ना, अब वो उसके ऊपर पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है.
ट्रुथ, किसी सच्चाई के साथ आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ओके, बॉटम में क्या निकल के आया है जी? बॉटम में निकल के आया है थ्रोट चक्रा। देखिए उन्हें कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ कैसे शेयर करें। ओके नहीं, उसके अथॉरिटी लगता है, नहीं कोई अथॉरिटी मिली है, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं रिलेशन में। एक से एक खूबसूरत कार्ड जो है ना आपके लिए निकल के आ रहा है, डेस्टाइन। ये जो रिलेशन है ना, ये डेस्टाइन है। तो यही थी आज की रीडिंग। तो हैव यू एंजॉय दिस रीडिंग, मुझे अपनी राह से आगाह कीजिएगा। मैं फिर बोलती चलूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरीफाई होता है, तो मैं फ्री रीडिंग, या आपको कोई एडवाइस चाहिए तो मैं आपके लिए मैसेज, बाकी जो डेक हैं, इतना टाइम तो नहीं होता कि हम रीडिंग को बहुत लंबा या करें, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।